देहरादून पुलिस मुख्यालय चुनौतियां और समाधान थीम के तहत वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत सहसपुर पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इनामी अपराधियों की धरपकड़ पर तेज कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी संदीप नेगी ने थाना सहसपुर में प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि बाइक चोरी के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे अभियुक्त इसरान को हाबटपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। विकास नगर से राहुल सिंह रावत की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इनामी इसरान ताहिर जो कि 2 वर्ष से फरार चल रहा था तो गिरफ्तार किया गया और ये हाबटपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। इस पर जो है पूर्व में काफ़ी मुकदमे हैं और इसके द्वारा जो है वाहन चोरी में संलिप्तता रहती है इसकी लगातार, और इस पर 10,000 रुपये का इनाम है जिसको कि आज सहसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर क्या इसके कुछ और भी साथी हैं? इसके पूर्व में साथी जो थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके मोटरसाइकिल की रिकवरी की जा चुकी थी। ये फरार चल रहा था इसीलिए इस पर इनाम घोषित किया गया था, 2 साल से फरार था।